नमस्कार, खबर से हटके में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम एक आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब खबर आपको ये सुनाने जा रहे हैं कि एक इंसान ने मगरमच्छ से शादी की। क्या कोई इंसान मगरमच्छ से शादी कर सकता है? शायद आपका जवाब नहीं होगा, लेकिन हाल ही में एक मेयर ने मगरमच्छ से शादी रचाई है। जी हाँ, मैक्सिमो के सैन पेड्रो हुला मेरुला के मेयर विक्टर एगुलियर की शादियां सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ के मेयर ने मगरमच्छ से शादी की है। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी शादी को लेकर शॉक हो रहे हैं। सबसे खास बात तो यह कि जून के अंत में शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। शादी में मादा मगरमच्छ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसे रिवाजों के मुताबिक सफेद रंग का गाउन भी पहनाया गया था। इसके अलावा उसके सिर पर फूलों का क्राउन भी था। वही मेयर भी दूल्हे की तरह तैयार हुए थे। शादी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। मेयर बैंड बाजा बरातियों के साथ मगरमच्छ को दुल्हन बनाने पहुंचे थे। मेहमानों को लजीज व्यंजनों के अलावा यहाँ का पारंपरिक शराब भी परोसी गई। अब सवाल यह है कि क्या कोई इंसान होकर किसी लड़की से नहीं बल्कि एक मगरमच्छ से शादी क्यों करेगा? तो चलिए आपको बता देते हैं कि मैक्सिमो में मछली का बड़ा कारोबार है। यहाँ पर करीब 200 साल पुरानी एक मान्यता है कि अगर मगरमच्छ से शादी कर ली जाए तो समुद्र में मछली और अन्य सी फूड की संख्या में इजाफा हो सकता है और लोगों को फायदा भी होता है। ऐसे में यहाँ पर मेयर को मगरमच्छ से शादी करने की परंपरा निभानी पड़ती है। यहाँ रहने वाले लोग मानते हैं कि मगरमच्छ एक राजकुमारी है और इससे प्यार और शादी यहाँ के समुद्र में बड़ी सी मछलियां ले आएंगी। यह शादी मैक्सिकन रीति रिवाज के साथ की गई। शादी के दौरान आतिशबाजी, डांस और लोक नृत्य का नजारा भी देखने को मिला।